कई महीनों से चल रहे किसान आंदोलन को धार देने के लिए अब सर्व जात सर्व खाप महापंचायत होगी और इस पूरे आयोजन के सूत्रधार होंगे दादरी के निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान। कभी सरकार में हिस्सेदार रहे सोमवीर सांगवान अब सरकार के लिए नई सिरदर्दी खड़ी करने की तैयारी में है। पंचकुला के सेक्टर 2 स्थित बीजेपी कार्यालय में आज जनसंघ के संस्थापक डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बतौर मुख्य वक्ता शिरकत की और कार्यक्रम में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन पर अपने विचार रखे। केंद्रीय रेल मंत्रालय ने पंचकुला चंडीगढ़ में विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन विकसित करने का निर्णय लिया है और इस योजना के व्यावहारिक पक्ष का मुआयना करने के लिए मंत्रालय की वरिष्ठ अधिकारी चंडीगढ़ पहुंची, जिन्होंने पहले चंडीगढ़ और उसके बाद पंचकुला रेलवे स्टेशन का मुआयना किया। वहीं हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि वो रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर ये मांग करेंगे कि इस रेलवे स्टेशन का नाम चंडीगढ़ पंचकुला रेलवे स्टेशन रखा जाए क्योंकि ये हरियाणा की जमीन पर है। सोहना नगर परिषद ने अरावली पहाड़ी क्षेत्र में अवैध फार्म हाउसों पर पीला पंजा चलाकर ध्वस्त कर डाला है। ये सब फार्म हाउस अवैध रूप से बनाए गए थे। परिषद ने पीला पंजा चलाकर कुल 10 अवैध फार्मों की चार दीवारी, कमरे आदि को तोड़ डाला। वहीं दूसरी ओर परिषद की तोड़फोड़ कार्रवाई से फार्म मालिकों में हड़कंप मचा हुआ है। अंबाला में अप्रवासी मजदूरों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए मोबाइल कोरोना वैक्सीनेशन सेवा शुरू की गई है। बता दें कि प्रवासी मजदूरों के कोरोना कैरियर बनने की खबर सत्य खबर ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा फैक्ट्री ओनर्स को पत्र लिखा था कि वो सभी प्रवासी मजदूरों को कोरोना वैक्सीन लगवाएं, अन्यथा उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं अंबाला में नगर निगम कमिश्नर अपनी पूरी टीम के साथ एक्शन मोड में काम करते हुए नजर आए। जानकारी देते हुए कमिश्नर अंबाला शहर ने बताया कि वो सड़कों, नालियों और सफाई व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। इसी के साथ साथ फील्ड में जाकर ये प्लान कर रहे हैं कि किस तरीके से बाढ़ के पानी को कंट्रोल किया जा सके और अंबाला शहर की स्थिति को सही और अच्छा किया जा सके। इसके अलावा हरियाणा सरकार द्वारा स्कूलों को बंद किए जाने के आदेशों के बाद इंटीग्रेटेड प्राइवेट स्कूल वेलफेयर सोसाइटी ने अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल से मुलाकात की। स्कूल संचालकों ने कहा कि सरकार जिस तरह अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए कई विकल्प लेकर आई है, इसी तरह शिक्षा की गुणवत्ता को बचाए रखने के लिए कोई मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, जिस पर विधायक असीम गोयल ने शिक्षा मंत्री से फोन पर बात की और स्कूल संचालकों की मांग रखी। इंद्री के किले मोहल्ले में रहने वाली एक नव विवाहिता का संदिग्ध परिस्थितियों में शव फंदे से लटका हुआ मिला, जिसके बाद इस घटना से दहशत का माहौल बन गया है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी। पिहोवा के फतेह सिंह रोड पर अचानक एक घर में आग लग गई। आग उस समय लगी जब घर के सभी सदस्य काम करने के लिए खेत में गए हुए थे। आग लगने से एक पशु और घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। पड़ोसी ने आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी, जिसकी सूचना पाकर फायर ब्रिगेड के कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। झज्जर में बदमाशों ने मनी ट्रांसफर करने वाले एक दुकानदार से फोन पर रंगदारी मांगी गई है, तो वहीं वकील को डाक के जरिए उसके घर के पते पर एक पत्र भेजा गया, जिसमें पत्र के जरिए 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है। मनी ट्रांसफर करने वाले दुकानदार की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए जहां पुलिस ने चार आरोपियों को दबोच लिया है, वहीं वकील से फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने जल्द ही खुलासा करने और आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किए जाने की बात कही है।